Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.
भगवान जो भी माता जी प्रभु जी जयपुर से पधारे हैं वो कृपया मंदिरों में दर्शन के लिए बाहर मिले। हम यहाँ से राधा रमन और राधा गोपीनाथ जी के यहाँ कथा होगी तो तुरंत गेट के बाहर आ जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो लोग सुनिए, अब हम लोगों की झूलन यात्रा महोत्सव के संबंध में कथा होगी। जो लोग कथा सुनना चाहते हैं उधर इधर ही बैठे। शास्त्र में कहा गया कि हरी कथा है रोती नहीं ले पंड से श्रम। बताया गया यदि हरी कथा में रुचि ना हो ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग जाए दर्शन की आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनके हरी कथा सुनने की इच्छा है वो कृपया इधर ही पधारे। आविर्भूतो सकारुणो श्रीवामननारायणो रूपानुग प्रवरुदो श्रीकेशव प्रियो भजे श्रीब्रह्मा समारम्भ आचार्य पर्यन्तं नमामि गुरु परं परं श्री गुरवे श्री गौरचन्द्राय सपरिकारि युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठाइए। हरे भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिज्ञापन करता। तदनंतर अस्मदीय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति श्री सिद्धांति महाराज एवं प्रभुपाद के समस्त परिकर के श्री चरण में एवं समस्त गुरुवर श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन पूज्यपाद श्री तीर्थ महाराज एवं श्रीधर महाराज चरण शतकोटि नमन। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाजग प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ये बहु प्रतीक्षित ये झूलन महोत्सव यद्यपि ब्रज में एक महीना तक झूला महोत्सव चलता है, इन गौड़ीय संप्रदाय में हमारे गुरुवर्ग 5 दिन की व्यवस्था दी है। इस 5 दिन हम लोग झूलन महोत्सव
उद्यापन करेंगे हरि कथा ये सब। मैं सबसे पहले श्री तीर्थ महाराज से अनुरोध करता हूँ झूलन महोत्सव के ऊपर प्रकाश डाले श्री तीर्थ महाराज। असंख्य कोटि दंडवत करते निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त सन्यासी वर्ग, माताएं बहनों भाइयों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज बड़ी खुशी की बात है, प्रतिवर्ष की बात है, ये वैष्णव मिलन मेला है। श्री गुरु जी ने इस प्रथा को शुरू कर दी झूलन उपलक्ष्य में, जो राधा गोविंद का झूलन मेला महोत्सव है, उसके साथ श्रील रूप गोस्वामी जी की विरहति। तो श्री रूप गोस्वामी जी की कथा के द्वारा और भी पावन और पवित्र और सरस बना दिया, क्योंकि श्री गुरु जी यह कहते हैं कि राधा गोविंद की झूलन लीला। वृंदावन में जब वे दोनों आए, कृष्ण का उम्र 3 वर्ष 4 महीने की, उस समय से बछड़ों को चराने का बहाना दिया, इसी बहाने वृंदावन में आ करके खेल कूद करते हैं, जो कि सखाओं के साथ बच्चों के साथ, और यमुना पुलिन के इन कुंजों में जहाँ गोपियाँ वृषभानु नंदिनी राधा जी समस्त गोपियाँ मिल करके पुष्प चयन करती है, फूलों को गूंद करके माला गूंद करके बैठी रहती है, कृष्ण आते हैं तो उन्हें हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं, कुंज के अंदर बैठा कर राधा जी जो कि फूलों से सजाती हैं, और जो अलका इत्यादि मिट जाती है धूल मिट्टी से बसने से, उसको साफ करके फिर से नए रूप से डिजाइन करके बनाती है। तो इस प्रकार कृष्ण को सजाती है और फूलों से सुंदर रूप से उनको श्रृंगार धारण कराती है। ऐसे ऐसे करके वृंदा देवी वन के फल फूल ले करके आती है और राधा जी के हाथ में देती है, वो स्वयं अपने हाथों से उसको परोसती है, कृष्ण को खिलाती पिलाती है। ये रोज दिन की नित्य प्रति वृंदावन पुलिन में जो कि कुंजों में राधा गोविंद की लीला है, सेवा है। इस प्रकार नित्य प्रति यहाँ झूला खेला, हिंदू वन विहार मधुपान जल जल विहार कुंज क्रीड़ा विविध प्रकार के खेल कूद के द्वारा यह वृंदावन आमोदित प्रमोदित है। ऐसे राधा गोविंद की नित्य लीलाओं के स्थली की यह वृंदावन है, जो कि इसमें यह झूलन महोत्सव का और एक विशेष है। वृषभानु नंदिनी जब जावट में गई और जावट में रही, वृषभानु महाराज ने उन्हें अभिमन्यु आयन घोष के साथ विवाह करा दिया। इस प्रकार जो अभिमान और प्रतीति है, इसके साथ जावट में रहेगी। जबकि नित्य प्रति नंदगांव में आती है, यशोदा भवन में जा करके राधा जी माता यशोदा के द्वारा लाड़ प्यार पा करके बड़ी आनंदित होती है, स्वयं रसोई घर में जा करके विचित्र प्रकार के भोजन सामग्री बनाती है। तो ये सभी नित्य लीलाओं में ये वर्णन है, जो कि राधा गोविंद की इस प्रकार नित्य लीला है और नंद भवन की बातें। दूसरी बात, जावट में रहती है तो साल भर में
बरसात के शुरू होते ही हरियाली, चारों ओर हरियाली की घन घटा है और उस समय प्रत्येक घरों की जो बेटियां हैं, जिनकी विवाह जिनका विवाह हुआ, ऐसे ही समस्त बहु बेटी है, वे अपने पियर को जाया करती है। तो ये एक रीति रिवाज है जो भारतीय परंपरा में आज एक सभ्यता के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में देखा जाता है। तो विश्वानंदिनी राधा जी प्रतीक्षा करती है कब श्रीधाम भैया आएंगे और राधा जी को लेकर जाएंगे। इसी प्रतीक्षा में देखते 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 जब यह सावन महीना होता है तो उस समय राधा जी श्रीधाम भैया की प्रतीक्षा करती है तो वे आते हैं। आने पर राधा जी रोती हैं, आंसू बहाती हैं और पियर को जाने के लिए तरसती हैं। तो इस प्रकार उन्हें पियर में यानी अपने मायके के वहाँ राधा जी जाती हैं और वहाँ जाकर के झूलन लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो वर्णन है, बोले ऐसा क्यों है, ये क्या बात है, इसका क्या कारण है, जो आज हमारे भारतीय परंपरा में ये चीज देखे जाते हैं, यह अन्न दूसरी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अभी अभी हम रशिया में रहे तो वहां पर हम एक चीज देखते रहे, जितने भी माताएं बहनें मिली सबसे पूछते रहे, भाई सभी लोग अलग अलग सेपरेट हैं, सब अलग अलग रहती है, तो बोले क्या बात है। तो बोले कि भाई यहाँ 98% लोग सब सेपरेट हैं, सब डिवोर्स किए हुए। बोले ऐसा क्यों भाई, क्या बात है। बोले टेंशन के कारण। बोले हमारी भारतीय परंपरा में गुरु जी कहते, बोले ऐसा क्यों है, बोले यहाँ पर कोई माता बहने जो घर में है उनको कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, मन मुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, बोले चलो अब चलते हैं पियर को, चले जा करके 5-10 दिन रह करके शांति बना ले, शांति हो जाती है, मन ठीक हो जाता है, फिर रेन्यू हो जाता है, फिर आ जाती है, आ करके फिर नए सिरे से घर संसार का काम धाम सब कुछ करती है, सारा सब सही रहता है। इसलिए हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में जो रीति रिवाजें रही है, ये रीति रिवाज का कारण जो विवाद हो रहा है, टेंशन हो रहा है, शेरवानी हो रहा है, बोले कि चलो हम अलग हो करके ही रहेंगे। बोले अरे अलग नहीं हो रहा है, चलो प्रकोप करके आ जाओ, आ करके फिर से शांति से घर संचार कर लिया। जीवन भर माताएं बहनों को देखा जाता है कि वे जीवन भर बंध करके रहती है, कभी अलग नहीं होती है। और देशों में बड़ा विचित्र स्थिति है, बोले ऐसा क्यों, बोले ये कारण है हमारी भारतीय परंपरा में, भाई ठीक है भाई कुछ हो गया चलो जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ, पियर में घूम के आ गई। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं, बोले सब बेटियां बहू अपने और बहू सब पियर पियर जाती है, 10-5 दिन रह करके घूम फिर करके आनंद ले करके खुशहाली मना करके आ जाती है, फिर मन उल्लसित होता है, खुशहाली में बनता है, आनंद में फिर से घर संसार बना लेते हैं, कोई झगड़ा विवाद नहीं रहता है। तो ये कारण है जो कि राधा गोविंद की लीलाओं से ये सारी बातें देखी जाती है। अभी हमारे माधव महाराज जी बताएंगे सब रसिक बातों को। तो कहना है कि इस प्रकार के झूलन उत्सव को श्री रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने गोविंद लीलामृत ग्रंथ में, श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने लीला ग्रंथों में इन सब का वर्णन किया है। इसलिए उनका उनकी भी तिथि आ रही है जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद ने राधा गोविंद की मधुर लीलाओं का वर्णन किया, मधुर छवि का अंकन किया है, उसके साथ भक्ति रस के साम्राज्य को विस्तार किया। जो गौड़ीय वैष्णवों में एक ही बातें हैं, वे
मन प्राण हृदय सर्वस्व उनके चरणों में दे करेंगे। राधा जी की जो किंकरी है दासियां हैं उनके आश्रय लेकर उनके अनुगत में रहकर जो कि भजन और भक्ति करें इन लीलाओं का चिंतन करें स्मरण करें। अभी शिव के ऊपर एक श्लोक जो गुरु जी ने लिखा है यहाँ पर वर्णन है क्या लिखा है श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पितमस्त काया हा मोदत कनक गौरी संभावना ने सन गई स्तव की करी से है ना। गुरु जी ने अपने हृदय की भावना को उद्गार किया यहाँ पर ये सर्व वर्णन किया लिखा है। श्री रूप सनातन गौड़ी मठ बना करके उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की स्थापना की जो कि हम सबके प्राण स्वरूप है जिनके अनुगत के बिना हमारा जीवन चलता ही नहीं और हम भजन राज्य में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रूप रघुनाथ के वाणी के हम लोग प्रचारक हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं जहाँ श्री रूप मंजरी विश्वानंदनी राधा जी कृष्ण की गोदी में सिर रख करके लेट गई और थकी हुई है ऐसे समय में श्री रूप मंजरी आकर के राधा जी का पाद संवाहन करने लगी और ऐसे समय में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं क्या मैं आपके अनुगत में कुछ सेवा करूं। उस समय श्री रूप मंजरी जी ने उनको आदेश दिया लो तुम पाद संवाहन करो। जबकि राधा जी का पाद संवाहन करती है रति मंजरी जो भानु मंजरी रति मंजरी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गुरु जी के अनुगत में इस प्रकार सेवा की भावना को प्रार्थना की है तो इन सभी लीलाओं का स्मरण और गुरु जी का स्मरण होता है जिन्होंने अपने हृदय के उद्गार को यहाँ व्यक्त किया है। ऐसे हम लोग श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में गुरु जी के हृदय मंदिर जो कि इस स्थान में हम लोग आए हैं। पहले जब गुरु जी को इतना कहा गया कि बाहर में चलते हैं थोड़ा बाहर में बड़े रास्ते में कहीं हम जगह लेते हैं गुरु जी बोले क्या सेवा कुंज मिलेगा निकुंज वन मिलेगा वहाँ यमुना पुलिन मिलेगा श्री रूप गोस्वामी जी का स्थान मिलेगा यही स्थान है जहाँ पर उन्होंने भजन किया हमारे गुरु वर्ग का स्थान है। तो आज हम लोग इस स्थान में आए हैं और हमारी जो राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन झूलन उत्सव के विषय में हमारे रसिक जो कि श्री माधव महाराज जी बड़े रसिक है और रसपूर्ण बातों को सुनाएंगे हम उनसे प्रार्थना करते हैं श्री माधव महाराज। आप लोगों ने आवाज आ रही सारी श्री महाराज से हरि कथा श्रवण किया। हमारे पास में श्रीधर महाराज जी बैठे हुए हैं उनका नाम था पहले रसानंद बोले मैं रस भी दूंगा आनंद भी दूंगा मैं तो रसिक तो मैं हूँ आप कैसे बोलेंगे बोले पहले मैं ही बोलूंगा पर नहीं दू तो बस वो बड़ा हो जाएगा महाराज जी ओम अज्ञानित मेराम दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधाकरावचितपल्लवबल्लरीके राधा पदांश विलस मधुर स्थलिके राधांग च समुखं खंगांग पलिके राधा विहार विपिने
रमतां मनोमि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर कर बोलो बोल हरे विष्णु पाद अष्टोतर सदर श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित तीरथ महाराज माता महाराज संत महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है जो कि राधा कृष्ण के झूलन यात्रा का महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते राधा कृष्ण का ये जो झूलन यात्रा है ये कोई साधारण लीला नहीं। आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे जब राधा कुंड को प्रकट की गई उसी समय में श्री पौर्णमासी ने वृंदादेव का आदेश दिया। कहती ये पौर्णमासी कौन है? बोले ये समस्त लीलाओं को पुष्टि करने वाले। बोले ये वृंदादेवी कौन है? बोले राधा कृष्ण के जो मधुर लीला है ये मधुर लीला में सब कुछ यही करने वाले मधुर लीला यही पुष्टि करने वाले। उसी समय श्री पौर्णमासी ने वृंदादेवी का आदेश दिया। बोले ये राधा कुंड को इतने सुंदर बनाओ का सर्वश्रेष्ठ ये लीला स्थली होनी चाहिए। तब उन्होंने आदेश को पा करके इतने सुंदर राधा कुंड को बनाए। अद्भुत रूप में उन्होंने ये राधा कुंड को उन्होंने सजाए। इतने सुंदर उन्होंने कुंज बनाए। बोले तो किसी कुंज का रंग एकदम हल्दी वर्ण है, किसी कुंज का रंग एकदम सफेद वर्ण है, किसी कुंज का रंग एकदम नील वर्ण है। और ऐसे अद्भुत कुंज कोई कुंज तो केवल पत्ते पत्ते में, किसी कुंज केवल फूल फूल में बनाए। जैसे पास में खड़े हो ना, अभी यहाँ क्या हो रही है अगर पास में खड़े हो आप देख नहीं सकते। वो केवल गोलोक वृंदावन में ही वो वृंदादेवी के लिए संभव अद्भुत उन्होंने बनाए। और राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ में सुंदर उन्होंने झूला डाले हैं, चारों तरफ में सुंदर। कहीं उन्होंने कदम का वृक्ष में, कहीं कमाल के वृक्ष में, कभी आम्र वृक्ष में सुंदर उन्होंने झूला उन्होंने डाले। और झूला में जब राधा कृष्ण झूलते हैं इनकी परछाई राधा कुंड में पड़ता है जब झूलते हैं। अब लोग झूले हो झूले कौन कौन झूला में झूले हो? इसलिए अभी अभी महाराज जी बता रहे थे ना कैसे श्री राधा रानी कैसे जावट में बैठी हुई और इंतजार कर रहे हैं कब मेरे श्रीदाम भैया आएगा और मुझे कब अपना ससुर घर से कभी कब बिहार ले जाए, ये बरसाना ले जाए। और बरसाना में वहाँ गौर बने हैं। गौर बन मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान की ऐसे गंभीर लीला होता है, जहाँ पर ब्रह्मा शंकर नारद जी जिस लीला में प्रवेश अधिकार नहीं है, इसी गौर बन में सुंदर झूले में कैसे श्याम सुंदर कैसे नंदगांव से आते हैं और राधा रानी कैसे सुंदर झूला में राधा कृष्ण बैठ करके सुंदर झूला में झूला झूलते हैं। कर जो झूला लीला है ये ऐसे अद्भुत लीला है। ये झूला लीला बोले झूला लीला की तात्पर्य क्या है? कहते ये सखियों का रहस्य क्या है? ये सखियां क्यों राधा कृष्ण को झूला में झूलाते हैं? उनका एक ही कारण है, जब झूला में राधा कृष्ण बैठते हैं सखियां जब उनको झूला में झूलाते हैं कभी कभी इतने जोर से झूलाते हैं इतने में राधा रानी डर जाती है। और डरते हुए उन्होंने कृष्ण को सारे अंगों को उन्होंने आलिंगन कर लेती डर के मारे। जब उनको आलिंगन करती है
कभी सखियों का मंजरियों का उद्देश्य क्या है, उनका एक ही उद्देश्य है जय जय राधा कृष्ण ने जुगल मिलन और आरती करे लगी लाली सखी का। जब उनकी मिलन को दर्शन करते हैं बस उनको मिलन दर्शन करते ही ये प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं राधिका मुखम सखीना, जब श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी को आलिंगन करते हैं, लेकिन आलिंगन करते हैं तो कृष्ण राधा रानी को, लेकिन ये बपुसा स्वेद कंप ये किसको शरीर में प्रकट होता है, जब ये सबके सब सखी और मंजरियों के अंदर में राधा कृष्ण मिलन हो रही है, लेकिन सारे स्वेद कंप अश्रु पुलक ये सबके सब सखी मंजरियों के अंदर में ये सारे दिव्य भावना अपने आप प्रकट होता है। इसलिए झूलन का यही तात्पर्य है राधा कृष्ण को मिलन करना, क्योंकि ये एक झूलन लीला की एक रहस्य है। बोले दूसरा रहस्य क्या है, झूलन झूला जो तीन तरह का झूला है, एक तो दोनों बैठी करके इसे झूलते हैं, दूसरा झूला होता है राधा रानी उधर और श्याम सुंदर इधर। अभी राधा रानी ऐसे झूलती है और श्याम सुंदर ऐसे झूलते हैं, जब ऐसे झूलते हैं उसी समय में राधा रानी जब उधर से झूल आती है, श्याम सुंदर जब इधर से चलते हैं, उसी समय में राधा रानी की जो चरण है वो चरण दर्शन होता है। ये झूला की एक विशेष महत्व है, कृष्ण चंद्र राधा जी के चरण को उसी समय में दर्शन करते हैं, इसलिए राधा रानी की जो चरण का जो दर्शन है ये बड़ा महत्व है, ये बड़ा महत्व दर्शन है। इसलिए कहते श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव है। बोले राधा रानी की जो चरण है कितने दुर्लभ है, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंद, कहते इनके चरण कमल इतने दुर्लभ है ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी बरसान में पत्थर रूप में वो पहाड़ रूप में जन्म होकर के वहां पर जन्म लिए। बोले क्यों, बोले राधा रानी की कृष्ण की मधुर लीला के दर्शन हो। कहते शंकर जी हैं, शंकर जी गोपेश्वर बन करके आते हैं और माँ लक्ष्मी तो बेलवन में बैठी हुई है, उनको तो प्रवेश अधिकार तो ही नहीं। और उद्धव तो वो उद्धव जी क्या कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, कहते हैं वृंदावन की कब ऐसे सौभाग्य बने हमें, ऐसे कब सौभाग्य प्राप्त हो हमें, यहाँ की गुल्म लता औषधि वृक्ष में हमारी जन्म हो, ऐसे राधा रानी के चरण की। बोले ब्रह्मेश्वरादि, स्वरादि मतलब जो आदि ईश्वर है ब्रह्मेश्वरादि, इन्हीं के लिए तो दुर्लभ है ही है, लेकिन कहते ब्रह्मेश्वरादि आदि ईश्वर जो कृष्ण है, बोले इन्हीं के लिए भी राधा रानी के चरण कभी दर्शन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव लिखे ना बोले जत की करिसु बहु स खलुकात वाणी नित्यम बरस पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या गदार सनिधे वृषभानु जाया स्तत केली कुंजना गनिमार जनिस्या। कहते जिस कुंज में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिस कुंज में श्री किशोर जी मान करके बैठी हुई और कह रही है आज मैं कोई काले चीज देखना नहीं चाहता हूं, तुम्हारे जो गुरु जो काला है ना उसे चंदन से उसको क्या कर, उसको सफेद कर दो, जो चोटी काली है फूलों की माला से उसको है फूल से माला से उसको ढक दो, कोई काले चीज देखना नहीं चाहता। इतने में श्याम सुंदर आकर के राधा रानी के तो दुर्लभ है उनकी जो किंकरियां हैं उनको पास में हाथ जोड़ करके कहते मेरी थोड़ी सी कृपा करके श्री राधा रानी की थोड़ा दर्शन करा दो। इसलिए कहते ऐसे जो निकुंज मंदिर में राधा रानी मान करके बैठी हुई, क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस झाड़ू से सखियां किंकरियां वो कुंज को झाड़ू लगाते हैं उसकी क्या एक में सलाका बन पाऊंगा, ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। इसलिए राधा रानी की जो चरण है उसमें जो चिन्ह है वो एक एक चिन्ह की श्री रूप गोस्वामी अद्भुत अद्भुत महिमा बताए राधा रानी के चरण की, कौन सा चिन्ह कहाँ कहाँ पर है और ये चिन्ह दर्शन से स्मरण से क्या मिलता है, रूप गोस्वामी अद्भुत रूप में वर्णन किया। इसलिए उसी समय में राधा रानी की जो चरण है ये श्याम सुंदर को ये झूलन यात्रा में उनके विशेष विशेष दर्शन होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इसलिए जिस समय उन्होंने चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ को लिखे करके उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिए, बोले भैया देखो ये ग्रंथ कैसे बनाए। तब श्री सनातन गोस्वामी
जब वो श्लोक को पढ़े, पहला श्लोक को पढ़े, उसमें लिखा हुआ है बेनी प्याला गिरी पड़ा। राधा रानी की जब सुंदरता को वर्णना करते हैं, कहते राधा रानी की चोटी कैसे है, बोले काला नागनी जैसे, बोले रूप तुमने तो बड़ा सुंदर राधा रानी के श्रृंगार को वर्णना किया, लेकिन कहाँ राधा रानी प्रेम रूपिणी, कहाँ राधा रानी है, राधा रानी का रस स्वरूपिणी, जिसके लिए कहते हैं वैदग्ध सिंधु रसरा कृपा के सिंधु। कहते राधा रानी कौन है, बोले जैसे सप्त समुद्र है, उसी तरह राधा रानी के अंदर में ये सारे रस की समुद्र श्री राधा जी के अंदर में, कहाँ राधा रानी रस स्वरूपिणी। और कोई उदाहरण नहीं मिला, राधा रानी का चोटी को तुमने एक काला नागिनी को साथ में बराबर कर दिया। इसलिए इतने में उन्होंने बोले ठीक है भैया, कोशिश करूंगा इसको सुधारने के लिए। जिस समय सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन में, परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड में आए, रिम झिम बारिश ही हो रही थी, उन्होंने देखा एक सुंदर कदम पेड़ में बड़ा सुंदर झूला खड़ा हुआ है, और बीच में एक सुंदर ईश्वरी बैठी हुई, और अगल बगल में कुछ सखियां उनको झूला झूला रही थी, हाँ? उसमें राधा रानी को उसमें झूला झूला रही थी। जब झूला झूला रही थी कितने में राधा रानी की कैसे कैसे है, बोले ये सर से लेकर चरण तक उनकी कैसे है, और सखियां बड़ी सुंदर उनको चोटी सुंदर चोटी बनाए। आप लोग तो चोटी बनाते होंगे, चोटी कैसे होता है, ऊपर मोटा और नीचे पतली सांप जैसे, और राधा रानी का तो केस एकदम काली कैसे है, चरण तक उनकी केस, और चोटियां जैसे चूल्हा में बैठी हुई, पीछे से ये चोटियां ऐसे ऐसे चूल्हा में ऐसे ऐसे गिर रहा था। सनातन गोस्वामी दूर से देख करके उनको ऐसे लगा मानो इसको पीठ के ऊपर में तीन चार काला नागिनी जैसे चढ़े हुए हैं। इतने में सनातन गोस्वामी भागते हुए आए, बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है, ये लाली को पीछे तीन चार सांप चढ़े थे पीछे से। जब इतने से आए श्री राधा रानी, थोड़ी सी मीठी मीठी उन्होंने मुस्करा करके उनको तरफ में देखे, और देख करके इतने में सारे लीला अंतर ध्यान हो गई, सारे लीला अंतर ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी बोली ये क्या मैंने देखा। हठात उनको याद आया श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा रानी की जो बेणी की उन्होंने ब्याला गिरी पड़ा काला नागिनी को साथ में बराबर उन्होंने की है। बोलो इसी चीज को दिखाने के लिए रूप गोस्वामी जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं, ये चीज को प्रमाणित करने के लिए राधा रानी आज स्वयं मेरे ऊपर में कृपा की और मुझे दर्शन दी। अभी प्रश्न है भैया उनको चोटी को उन्होंने ब्याला गिरी प्रणाम क्यों बताया, काला नागिनी के बराबर क्यों बताया, कारण क्या। बोले कारण है जो स्त्रियों का अब जितना एडवर्टाइज आता ना टीवी में, ये सांपो ये सब जितने सबके सब माताएं जितने सारे पैसा ये केस में बाहर में खर्चा करती थी, सब केस में एक सुंदर से सुंदरी कोई लड़की हो उसको पूरा मुंडन कर दो बाल कटवा दो ना, उसको तरफ में कोई देखेगा नहीं, उसको तरफ में कोई देखेगा नहीं। इसलिए राधा रानी का जो बाल जो केस चोटी है जैसे काला नागिनी क्या करती काटती है, उसी तरह से श्याम सुंदर को ये मतवाला जो हाथी कृष्ण है अगर कोई कंट्रोल कर सकता है ना, कहते ये कौन है राधा रानी का जो केस की जो सौंदर्य था। इसलिए रूप गोस्वामी राधा रानी की जो केस की जो वर्णना करते हैं अद्भुत रूप में राधा रानी की केस को उन्होंने वर्णना करते हैं। इसलिए जो झूला जो लीला है इसमें विशेष बात राधा जी की चरण की दर्शन मिलती है। इसलिए कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के खेली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपी की द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया जानकर नहीं है हम श्री वृंदावन। इसलिए राधा रानी की जो चरण जहाँ पर पड़ती है वो चरण की बड़ी महत्व है। इसलिए उसने बताए अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटवी असंभास तत भाव गंभीर रचिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गाव। अगर कृष्ण रस रूपी समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं, यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते जब तक श्री राधा रानी की चरण को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, राधा रानी की चरण की अंकित जो वृंदावन धाम है जब तक उसको कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, सबसे बड़ी है राधा रानी की प्रेम रस में जो शराब और जो भक्त है जब तक उनके चरणों कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, उतः श्याम सिंधु रसस्याव गाव, कहां कृष्ण रस समुद्र में गोता लगा सकते।
इसलिए झूलन किला का यही महत्व है, श्री राधा रानी की चरण की महत्व है, और जो श्याम सुंदर को पूर्ण रूप में राधा जी के चरण को दर्शन प्राप्त होता है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। वृषभान राज नंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बादशाह गल्प सर्वस्त कृपा हरे कृष्णा। आप लोगों ने दोनों महाराज जी से श्रवण किया। मैं कुछ बोलने के पहले एक निवेदन कर देता हूँ। कल सुबह 6 बजे हम लोग इधर से चल करके श्री रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर, भजन कुटी एवं राधा दामोदर के दर्शन के लिए हर साल जाते हैं। अब की बार भी 6 बजे जाएंगे। आप लोगों ने दोनों महाराज जी श्रवण किया। अब मैं सोचा ये कहूँगा, ये लोग सब कह दिया, और रहते हैं वृंदावन में रसभूमि, रस तो बरसाएंगे ही, और माँ जी का भी रसिया से आए, आज विरज में होली रे रसिया जी, माँ जी इतने नचाएंगे तो सब नाचते रहेंगे, दोस्तों रस बरसा दिया। मैं ठहरा गांव का गमार, इस पर भी रहता हूँ कौन सा स्थान मथुरा में, कुछ फिर भी कुछ ना कहो तो सिद्धार्थ प्रसाद नहीं देंगे रात को। फिर बोले भूखे भजन न हो गोपाला ले ले तेरी कंठी माला, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए उन लोग जो उच्छिष्ट रख दिया है उसी का चरित चरवन कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना ये झूलन का तात्पर्य। पहले मैं श्री गुरु जी के विचार आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार श्री गुरु जी से पूछा, रूप गोस्वामी वंदना कर रहे हैं, कनक जलद गात्र नील सुनाब जनेत्र मृग मदवर भालो मालती गुंद मालो तरल तरुण बेशो नील पीताम्बरेश स्मर निभित निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है, और एक रूप गोस्वामी का कीर्तन है, राधे जय जय माधव दैते। इस कीर्तन में लिखा वृंदा विपिने से। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये इधर रूप गोस्वामी कह रहे वृंदा विपिने से, वृंदा विपिन उधर कह रहे निभृत निकुंजे, ये निभृत निकुंज क्या है, विपिन क्या है। गुरु थोड़ा मुस्कुराए, तो गुरु जी ने बताया एक है विपिन, एक है कुंज, एक है निकुंज निभृत निकुंज। विपिन फिर दूसरा कुंज, तीसरा निकुंज, चौथा निभृत निकुंज। मैं गुरुदेव पूछा इसका तात्पर्य थोड़ा समझा देंगे, बताया विपिन में व्रज के सब का अधिकार है, किसी भी रस का हो, यहाँ तक कि जो गोचरण के गो बछड़े सब जाते हैं विपिन में, सखा सखी माता पिता सब का अधिकार विपिन में। इसके बाद आते हैं कुंज में। जो कुंज है आप लोग से जानने के लिए, जैसे महाराज दोनों महाराज ग्रंथ का नाम बताए इसमें पढ़ेंगे पता चलेगा, पढ़ना नहीं अनुशीलन करना है, गुरु वैष्णव के अनुगत में तब पता चलेगा। कुंज में 4 पेड़ है और पूरा लताओं से ढका हुआ है, अंदर बहुत साफ सुथरा है, बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं। एक बार गुरुदेव हवाई में थे, एक प्रभु है श्रवण प्रभु, उनके कब तक कुछ दिखा दे कुंज ऐसे होता है, फर्स्ट क्लास एक दृश्य दिखा रहे गुरुदेव। ये कुंज में ये श्याम सुंदर श्रीमती राधिका और उनके जो सपक्ष विपक्ष तटस्थ श्रित पक्ष सब प्रकार के सखियों का अधिकार है कुंज में। इसके बाद निकुंज, निकुंज में श्रीमती राधा ठाकुरानी और उनके सपक्षिया ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंगविता इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी, ये सब रूप मंजर ज्योति मंजर ये सबका अधिकार है। और निभृत निकुंज में केवल जुगल की सर उनके सखी अश्र सखी नहीं जाएंगे, उसमें क्या है असंकोचित श्री रूप मंजरी तांबुलार्पण पाद मर्द श्लोक में बताया असंकोचित भूमिका, उस असंकोचित भूमिका में मंजरी जाके सेवा करती है जुगल किशोर की, उसमें
ललिता विशाखा भी प्रवेश अधिकार नहीं है। उस कुंज में अगर ललिता विशाखा जाएंगी, उन्हीं के अनुगत में रूपमंजरी, रतिमंजरी, विनोद मंजरी, नयन मंजरी, गुना मंजरी, कमल मंजरी, रमन मंजरी, राग मंजरी सब मंजरी सेवा करती है। उन लोग पूछे क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो लोग ठहरिए देख के आती हूँ, देख तो जाइए निकृत निकुंज, ये कोई विचार सुनाए। अब आते हैं झूला में। जैसे महाराज जी बताया, ये ब्रज के विवाहित लड़कियां सावन के महीना में अपने पियर जाते झूला में झूलती है। अब ब्रज के जितनी लड़कियां विवाहित वो अपने अपने पियर चली गई। राधिका बहुत मन दुखी है, जा नहीं पा रही है। अभी अकाली में चढ़ के देखती है, क्या सीधा भाई आ रहा है क्या, इधर देखती उधर देखती है। तब एक गाड़ीवान गाड़ी चला के जा रहा था, वो आए थे बरसाना से, देखिए दादा ईचे आई, उनको चाचा चाचा का संबंध बनाया। तो बताया आप जरा मेरे पिताजी को बता दीजिए, ये पथिक संदेश कहियो जाई, कहियो पिताजी से भेजे सीताम भाई का तेरी बेटी अकुलाई रे, बोलना कि तेरे पिताजी ज्योति सीताम को भेजे, तुम्हारा बेटी बहुत रो रही है। ये सुन के सीताम आया, देखते ही रहा, ये रोते रोते सीताम को पकड़ लिया, भैया तूने इतना देर कर दिया, क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो, इतने दिन से आए क्यों नहीं। सीताम का बहन कभी हम भूल सकते हैं, इससे पहले जब आए तुम्हारी सास आने नहीं, इधर जल्दी क्यों आ गए हो, अभी नहीं भेजेंगे, इसलिए हम देर से आए ताकि वो मना नहीं कर सके, इसलिए आए फिर ले गए। उधर जो बरसाना के जो मंदिर हम देखते हैं, ये विश्वभर राजमहल नहीं है, ये विश्वभर महाराज अपने बेटे के लिए एक हवेली बना दिया, उसमें राधा जी अपने सखियों के साथ झूलती है, मंजरियों के साथ झूलती है। और कृष्ण क्या करेंगे, वो चुप से पीछे से होकर के घुस जाते हैं। क्यों, हमारे गुरुवर्ग बता रहे हैं, राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा निकुंज सदनी सच तत्र नित्यम, राधा सुखे सुखम उपेत दुखे च दुखी, कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र, कृष्ण कभी भी स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते हैं। जहाँ राधा जी कहीं बीपी में उधर चले जाएंगे, निकुंज में उधर चले जाएंगे, राधा सुखी तो कृष्ण सुखी, राधा दुखी तो कृष्ण सुखी दुखी, राधा सुखी तो कृष्ण सुखी, कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र, कृष्ण कभी भी स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते, इसलिए उधर चले जाते हैं, विभिन्न रूप बना करके जाते हैं, झूला में झूलते हैं। आपने महाराज जी सुना कैसे राधा कुंड को सजाया, कृष्ण की राधा कृष्ण लीला दो तरह से मैनेज होता है, एक जोगमाया पूर्णमासी के रूप में ये समस्त रसों की लीला को वो कंट्रोल करती है, और वृंदा देवी केवल मधुर रस की, दूसरे रस की नहीं। आज ये पूर्णमासी की दो रूप है, एक मूर्त रूप एक अमूर्त रूप। मूर्त रूप में कृष्ण लीला हम देखते हैं जोगमाया पूर्णमासी देवी, और महाप्रभु के लीला में और श्री राम के लीला में मूर्त रूप नहीं है, भगवान का अंदर रहते हैं। ये पूर्णमासी है कौन, सांदीपनी जो कृष्ण के स्कूल टीचर उनकी माँ है, उनके गुरु है नारद ऋषि, नारद के पांच प्रधान शिष्य है, दो बच्चे हैं जो आगे चलकर के महाराज बने, प्रहलाद महाराज एवं ध्रुव महाराज, दो वृद्ध है। हरे कृष्ण। नारद ऋषि के पांच प्रधान शिष्य, दो छोटे बच्चे जो आगे चलकर के महाराज बने, जिसके बारे में भागवत में विशेष रूप में वर्णन है,
एक ध्रुव महाराज एक प्रहलाद महाराज, दो वृद्धा है, एक है वाल्मीकि ऋषि दूसरे व्यासदेव। वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के अवतार के पहले ही रामलीला का वर्णन कर दिया, ऐसे व्यासदेव भी कृष्ण के अवतरण के पहले ही कृष्ण लीला रच दिया। और एक है महिला, वो है पूर्णमासी देवी। नारद ऋषि पूर्णमासी से कहा उज्जैन में, पूर्णमासी तुम उज्जैन छोड़कर के ब्रज में चली जाओ। जब बहुत से भक्त लोग हैं हमारे भारत के संस्कृति के अनुसार, जो बुजुर्ग है अपने बेटा बेटी से नाती नातनी देवता देवती को अधिक प्यार करते हैं, तो पूर्णमासी क्या किया, अपने नाती मधुमंगल और नातनी नंदी मुखी को लेकर के कृष्ण जन्म के कुछ दिन पहले ब्रज में पहुंच चुकी थी। और बाद में जो कृष्ण गुरु दक्षिणा के स्वरूप जमाल ऐसे आके अर्पण किया था, वो नंदी मुखी और मधुमंगल के आने के बाद छंद में और एक बेटा हुआ था जो जल में डूब के मर गया था। ये माधुर्य ईश्वरी, ये पूर्णमासी मूर्त रूप में कृष्ण लीला में, अमूर्त रूप में श्रीमद महाप्रभु के समय अमूर्त रूप में जब मैया जशोदा ने कहा बेटा तू वृंदावन मत जा, बहुत दूर है, तू जगन्नाथपुरी में रह जा, रथ यात्रा में भक्त लोग आएंगे उनका संगम मिलेगा और कभी तुम गंगा में स्नान करने आओगे दर्शन होगा। ये पूर्णमासी माँ सोची के मुख से बोली, रामलीला में जो कई कई ने कह दिया भगवान राम से वन में जाने के लिए, ये पूर्णमासी कई के मुख से बोली, ये पूर्णमासी का दो स्वरूप है। फिर आते हैं ये पूर्णमासी ये लीला को कंट्रोल करती है। और जो महाराज जी बताए राधा कुंड का, उसमें राधा कुंड में जो वर्णन दिया है उनके चार दरवाजे हैं कुंड में और बहुत घनाघोर जंगल है, उसमें षड ऋतु के चिड़िया एक साथ चहकती है, षड ऋतु का फल षड ऋतु का फूल एक साथ खिलते हैं उधर, और एक में बसंत ऋतु है, एक में ग्रीष्म है, एक में वर्षा, एक में शीत है। जब शीत के समय राधा जी सिकुड़ जाते हैं, डर जाती है, और जो राधा कुंड के पानी है ईसा दुष्ण है ताकि जुगल की शिशु में जल क्रीड़ा कर सके, ये वर्णन किया गया है। अब तो कुंज का रंग तो मतलब इसमें नहीं जा रहा हूं। और इस झुलन में कृष्ण क्या इच्छा है कि राधिका मुझे आलिंगन करें, और राधिका पाम भाव संपन्ना है, रूप सामने वर्णन किया नायक 96 प्रकार के है, नायिका 360 प्रकार के है, ये 360 प्रकार के नायिका के गुण केवल मात्र राधिका में है। बताया हमारे आचार्य गणों ने, स्वर्णलता छाये यथा तमाम शरीरे सेमक बेरिल राधा श्याम कले बरे, झुलाते समय जब राधा जी डर जाती है कृष्ण ऐसे पकड़ लेती है मानो ये श्याम ये स्वर्णलता पूरा इसको ढक दिया ये तमाम शरीर को। और एक भी उदाहरण देके समाप्त कर दूंगा, हमें गोपीनाथ भवन में जाना है, एक लीला आप लोगों को सुना देता हूँ। आप लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं एक स्थान है ललिता कुंड, ललिता कुंड में अभी राधा जी आई नहीं और सखिया नहीं, ललिता अकेली माला बना रही है, गुत रही है, मुकुट बाजूबंद बनाती है, तोड़ती है फिर बनाती है। नारद ने पूछा हे देवी ऐसे तुम क्या कर रही हो, बनाती हो बिगाड़ती हो फिर बनाती हो, कारण क्या है? बोले ऐसा लगता है कि बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, मैं श्याम सुंदर बना रही हूँ। बोले मैं उनको बुला देता हूँ, नाप लेके बना लो फिट कर दो, क्या जरूरत है परिश्रम करने का। अब नारद से चरित्र जानते हैं, नाम टीमर नारद ऋषि बाधाई सूद झगड़ा ताते अमर आनंद जे मजा देखो तुमरा तुमरा तुमरा। नारद जी व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज नारद ऋषि, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आई अरेंज क्वारलिंग बिटवीन मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, लवर एंड बिलवेड, व्हेन आई मेक arrangement, fighting between lover and beloved, husband and wife, I became very pleased.
you can join in my club. What shall I receive? You can get some fun. बोलते हैं क्या मेरे नाम नारद ऋषि है क्या करते हो मैं आपस में दूसरे लड़ाई करा देता हूँ क्यों करते उसमें आनंद है तुम चाहते हो मेरा क्लब में आ जाओ तुम्हें भी आनंद मिलेगा नारद जी क्या किया कृष्ण को बुला के ले आए बोले देवी कब से प्रतीक्षा कर रही है ऐसे तो बना के फिट कर दिया फिर कृष्ण से कह रहे हैं प्रभु जी मैं कभी आपको ललिता से झूलते हुए देखा नहीं राधा जी के साथ देखा विशाखा तुम लोग सबके साथ तुम लोग इतना रंग देवी थोड़ा झूलिए झूलने लगे इतने में चले गए राधा जी के पास देवी हमने सुना विष्णु को बोलते हैं तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं मैंने एक आंख को देखा हाल देखा आप देखेंगे तो आप फटी की फटी रह जाएगी क्या देखा बोले आइए मैं दिखाता हूँ बोले मैं बहुत ही दूर नहीं जाऊंगा नजदीक मैं दूर से दिखा दूंगी दूर से दिखा दूंगा ठीक है आए दूर से दिखाया कृष्ण ललिता से चूल रहे देखते ही नाव तो छिप गए दादी सामने आकर के पैर पटक पीछे जा रही है देखिए कृष्ण क्या बात है उनके नुपुर का ध्वनि सुन के समझ गए राज का नुपुर का ध्वनि है देखा जा रही है बिगड़ करके दौड़ते हुए आए घर लिया क्या हो गया ऐसे पकड़ा छोड़ मक्का कहीं का लाभार छूटे अंदर काला बाहर काला तुम बोलते तुम स्वच्छ होती मुझे प्यार करते हो ये क्या हो रहा है कृष्ण समझ गए बोले कहीं तुम नारद के पल्ला में तो नहीं पड़ गया क्यों बोले नारद तो मुझे बुला कैसे करवाया तुम्हें जरूर खबर दिया बोला हाँ आके सब मिलके झूले झूले में आपने सुना सरस्वती क्या है राधा जी आलिंगन करती है तब क्या होता है कृष्ण का इच्छा पूरा होती है राधा जी आलिंगन नहीं करती और उनका चरण दर्शन ये तो इस समय बरसाना में झूला होता है और नहीं तो प्रतिदिन नित्य झूला होता है राधा कृष्ण का और हम लोग उधर जाएंगे और इन लोग के पल्ला में मत पड़ना ये सब नारद ऋषि के चेले हैं उनके परंपरा में है आप लोग आई है बोलेंगे देखो ये सत्रह दीदी आ गई देखो देखो बम्बे नहीं जा रहे लड़ाई बना दे करा देंगे सावधान रहना है साधुओं से सब नारद ऋषि के परंपरा में है आज यही कर रहे हरे कृष्ण वंशा कल्पत रूप से